चापरा के मतदाताओं से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, इसलिए आप विकास को चुने, भारतीय जनता पार्टी को चुने। चापरा में भ्रष्टाचार, जातिवाद, बेईमानी, पेपर लीक, जो पूरे प्रदेश में पेपर लीक की घटना हुई है, इसको हमें उखाड़ कर फेंकना है, कमल का फूल खिलाना है। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि हमने या उनको किसी ने समर्थन नहीं दिया, जबकि हकीकत है भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के लोग भी और अन्य दलों के जो निर्दलीय लोग भी, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। उनको स्थिति स्पष्ट हो गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है, उनको विकास का काम करवाना है, तो सब लोग विकास को चुन रहे हैं। भ्रष्टाचार, जातिवाद, बेईमानी, गुंडागर्दी पर वो रोक लगा रहे हैं, उसको नकार रहे हैं। इसलिए वीडियो तमाम जो मतदाताओं के पास भेजे और उनको सचेत करें, क्योंकि ये चुनाव हम भाईचारे से, प्यार से हम जीतने वाले हैं। कई जगह इन्होंने गुंडागर्दी शुरू कर दी, आपने भी देखा होगा, वीडियो देखा होगा, तो आप सोच लीजिए ये चुनकर आते तो छापरा के क्या हालत होंगे। छापरा में गुंडागर्दी से जनता जी नहीं पाएगी, इसलिए शांति प्रिय पार्टी जिसका केंद्रीय नेतृत्व मजबूत है, प्रदेश नेतृत्व मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी जो विश्व में एक अपना दमखम रखती है, इसलिए कमल के फूल को आपको ज्यादा ज्यादा कमल के फूल पर वोट करना है और राम राज्य की स्थापना करनी है। जो अफवाह फैला रहे हैं उनके तरफ ध्यान नहीं देना, क्योंकि अफवाह फैलाने वालों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन दे दिया है। तो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आ रही है और छापरा में भारतीय जनता पार्टी आ रही है और राम राज्य की स्थापना होगी। दादागिरी, गुंडागर्दी, जातिवाद, भ्रष्टाचार सब पे रोक लगेगी और यहाँ भाईचारे के साथ छापरा का विकास होगा। छापरा को नंबर वन विधानसभा क्षेत्र बनाना हमारा लक्ष्य है, सभी को मैं साथ लेकर चलूंगा। अब छापरा की जनता के लिए जीऊंगा, छापरा की जनता के लिए मरूंगा, छापरा की जनता के बीच मरूंगा, ये आप सबसे मेरा वचन है, वादा है। इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा, अफवाह से दूर है और भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय भाजपा, जय जय राजस्थान।